subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो वेलकम टू एग्जाम सेना सोच जीतने की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट 24 पांच नए एक्सप्रेशंस के साथ हाजिर है। आज का पहला एक्सप्रेशन है अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो डिसऑनेस्टली बेईमानी की नियत से ये दिखाई या जताए कि वो कोई और है, उसको इम्पोस्टर कहेंगे। इंपीरियलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे पावरफुल कंट्री में विश्वास करता है जो अपने पावर को इन्फ्लुएंस को बढ़ाती है, दूसरे कंट्रीज पर अपना प्रभाव डालती है बिजनेस मैटर्स में कल्चरली। इम्प्रेशनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा आर्टिस्ट जो एक ऐसे स्टाइल में पेंट करता है जिस स्टाइल में कलर्स को इफेक्ट्स ऑफ लाइट दिखाने के लिए यूज़ किया जाए या एटमॉस्फेयर सजेस्ट करने के लिए कि कैसा एटमॉस्फेयर है, एक इम्प्रेशन डालने वाला इम्प्रेशनिस्ट। एम्प्लोरर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पर कुछ मांगता है। दूसरा एक्सप्रेशन है अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, अपने पिता की मौत के बाद पैदा होने वाला बच्चा अ पॉस्थमस चाइल्ड कहलाता है, क्योंकि ऑर्फन उस बच्चे को कहते हैं जिसके माँ बाप मर जाते हैं। डिप्राइव्ड चाइल्ड वो है जिसको न सही से खाना मिले, न एजुकेशन मिले या ज़रूरत की चीज़ें ठीक से ना मिल सकें, तो वो डिप्राइव्ड चाइल्ड है। वेव कहेंगे एक ऐसे दुबले पतले बच्चे को जिसको खाना ना मिलता हो। तीसरा एक्सप्रेशन है अ वायलेंट स्टॉर्म, बहुत तेज तूफान। इन चार ऑप्शंस में जो करेक्ट वर्ड है वो है टेम्पेस्ट, क्योंकि ब्रीज मतलब एकदम हल्की हवा, एक ऐसी हवा जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, ठंडक मिलती है जिस हवा से आपको अच्छा महसूस होता, तो वो ब्रीज है। रेन्स यानी कि बरसात के मौसम को कहते हैं, और वेदर यानी कि द कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम, किसी जगह पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर टाइम में जो कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का उसको वेदर कहते हैं। तो बच गया टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब होता है वायलेंट स्टॉर्म। चौथा एक्सप्रेशन है हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, यानी कि पानी के नीचे जो अर्थक्वेक हो उससे जो लहरें तेज उठें उनको हम कहेंगे सुनामी। टॉर्नेडो उस तेज तूफान को कहते हैं जो घिरनी की तरह घूमता हुआ अपनी चपेट में हर चीज़ों को ले ले, वो टॉर्नेडो है। हरिकेन वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में खास तौर से पाए जाने वाले तेज़ हवा को हम हरिकेन कहेंगे। साइक्लोन भी सर्कुलर वे में घूमता हुआ एक तेज़ हवा, लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। पांचवा एक्सप्रेशन है डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से फैलने वाली बीमारी, उसको कॉन्टेजियस कहेंगे। कॉन्टेजियस इन्फेक्शियस उस बीमारी को कहेंगे, ऐसी बीमारी को कहेंगे जो बड़ी आसानी से फैलती है, जो इन्फेक्शन से फैलती है। एपिडेमिक उसको कहते हैं, उस बीमारी या बीमारी की स्थिति को कहेंगे जिसमें एक किसी एक जाति या कम्युनिटी के एक बड़ी तादाद में लोगों को बीमारी हो जाए, वो संक्रमित हो जाए इस बीमारी से, तो वो एपिडेमिक है। एंडेमिक एक ऐसी स्थिति बीमारी की जिसमें कोई बीमारी एक पर्टिकुलर प्लेस में हमेशा के लिए मौजूद हो, हमेशा वहाँ के लोग उस बीमारी से संक्रमित पाए जाएं, तो वो एंडेमिक है। तो इस तरह से हमने सीखा आज पांच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।